झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने आजसू की यशोदा देवी को करीब 17,000 वोटों से शिकस्त दे दी है, जिसके बाद अब कार्यकर्ता जश्न के रंग में नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दो महिला उम्मीदवार मैदान में थे और दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। और वैसे भी उस उपचुनाव में सारे राजनीतिक पंडित कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। आखिरी तक किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि जीत का ताज किसके सिर सजेगा। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसके नतीजे शुक्रवार को आए थे, जिसमें जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने जीत हासिल कर ली है। बेबी देवी की इस जीत के साथ ही एनडीए को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एनडीए ने भी आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए पूरे दमखम के साथ प्रचार किया था। वहीं दूसरी ओर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के कई मंत्रियों ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट बेबी देवी को जिताने के लिए पूरा दम लगाया था। बता दें कि डुमरी उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था, जिसमें 24 राउंड की गिनती के बाद जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने 17,000 से ज्यादा वोटों से बाजी मार दी। लेकिन इस हार के साथ 2024 को लेकर एनडीए को झटका लगा है। ऐसे में अब एनडीए क्या रणनीति अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।